हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि माइक्रोमैक्स के सीईओ राहुल शर्मा ने अभी हाल ही में एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि हमारी माइक्रोमैक्स की जो स्मार्टफोन के नए सीरीज है वो आने ही वाली है। इन नाम से दोस्तों अब ये सीरीज आएगी। दोस्तों, चाइनीज़ कंपनियों को टक्कर देने के लिए ये नए माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है जो कि कुछ टाइम पहले जब कैनवस सीरीज आई थी तो काफ़ी तगड़ा इंडियन मार्केट पर छा गया था। लेकिन दोस्तों, जब से कैनवस सीरीज खत्म हुई है उसके बाद ये सीरीज के बाद माइक्रोमैक्स बिल्कुल ठप हो गया है। उसके बाद रेडमी, रियलमी या ऐसी अदर भी वो ओप्पो जैसे फ़ोन ही मार्केट में छा गए हैं। तो दोस्तों, माइक्रोमैक्स का इन सीरीज के स्पेसिफिकेशन और प्राइस लीक हो गए हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में कि इसके क्या प्राइस होगी। दोस्तों, आपको इसके अंदर 6.5 इंच का HD प्लस स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। साथ ही इसमें आपको मीडिया टेक का हीलियो G35 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसमें आपको दो वेरियंट देखने को मिलेंगे, 3 GB रैम और 2 GB रैम के साथ। और इसके अंदर आपको 32 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा और 5000 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, 2 GB वाले वेरियंट में आपको 13+2 MP के दो कैमरे देखने को मिलेंगे। और वहीं फ्रंट में सेल्फी के लिए आपको इसके अंदर 8 MP की सेल्फी देखने को मिलेगी। वहीं आपको 3 GB वेरिएंट में आपको 3 कैमरे देखने को मिल जाएंगे, 13+5+2 MP, और सेल्फी के लिए आपको उसमें 13 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर देखा जाए दोनों में तो कैमरे में 3 GB रैम वेरिएंट वाला कैमरे में ज्यादा आगे निकल जाता है। दोस्तों, अभी कोई इसकी कीमत सामने नहीं आई, लेकिन लीक्स जो सामने आ रहे लगातार लीक्स इसके फोन के सामने आए जा रहे हैं। तो 2 GB वेरिएंट वाली कीमत लगभग 6000 से 7000 के करीब करीब आपको पड़ेगी। और वहीं आपको 3 GB वेरिएंट की कीमत 12000 से 10000 के बीच में आपको देखने को पड़ेगी। दोस्तों, इन दोनों क्लिक्स काफी टाइम से सामने आ रहे हैं। तो अगर ये फोन मार्केट में आते हैं तो क्या आप इंडियन के नाम से इस फोन को लेना चाहेंगे, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर इसके स्पेसिफिकेशन अगर आपको ठीक नहीं लगे तो क्या आप फिर भी इसकी तरफ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है इस बार माइक्रोमैक्स कुछ कमाल करने वाला है ताकि इंडियन मार्केट में वो दोबारा अपनी धाक जमा सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड जय हिंद। We'll be right back.